पूरे प्रदेश भर समेत सोनीपत में भी आज डॉक्टर्स अनिश्चितकाल हड़ताल पर हैं और सभी सरकारी डॉक्टर अपनी ओपीडी छोड़कर हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन यहां के प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर द्वारा कुछ निजी डॉक्टरों को नियुक्त कर ओपीडी संचालित करवाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि ओपीडी पर हालांकि एक लंबी कतार होती थी, लेकिन लोग जो हैं, मरीज जो हैं, बहुत कम तादाद में नज़र आ रहे हैं और प्राइवेट डॉक्टर के सारे जो है आज सरकारी हॉस्पिटल कि ओपीडी चलाने का प्रयास हो रहा है। और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि यहां पर लोग जो हैं अपने इलाज के लिए यहां पर ओपीडी पंजीकरण यानी कि स्लिप ले रहे हैं, और अंदर की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे कि जिस प्रकार से डॉक्टर्स जो हैं ओपीडी देख रहे हैं वो भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि डॉक्टर्स अपनी अलग अलग मांगों को लेकर लगातार हड़ताल कर रहे हैं और इसी के चलते पहले भी जो है एक दिन पहले अल्टीमेटम दिया था, लेकिन आज 2 बजे सरकार के साथ एक मीटिंग भी है और मीटिंग के बाद निष्कर्ष होगा कि आगामी रणनीति क्या होगी। लेकिन एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि दूर दराज से आने वाले मरीज जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से प्रतिदिन की भांति जो ओपीडी होती थी उस तरह पर नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से कुछ डॉक्टर्स को यहाँ पर बिठाकर जो है निजी डॉक्टर्स को बिठाकर ओपीडी चलाई जा रही है, तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लंबी कतार है और मिला जुला असर जो है वो देखा जा रहा है। हालांकि कोई भी सरकारी डॉक्टर यहाँ पर इलाज नहीं कर रहा है और कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आप आए हो, किस इलाज के लिए आए हो? सोनीपत से आया, कुत्ते ने काट रखा इंजेक्शन लगा। बात करें तो आज डॉक्टर से हड़ताल थी, तो अभी बैठे हैं डॉक्टर कोई? अब देखो अंदर अभी डॉक्टर तो कोई नहीं बैठे थी। क्या कह रहे हैं अभी? अभी तो कह रहे हैं हड़ताल हड़ताल है। तो लाइन में क्यों लगे हो अभी? लाइन में इसलिए लगे, हो सकता है कोई डॉक्टर आ जाए बैठ जाए तो नंबर तो आ जाए। कुछ और भी महिलाएं हैं उनसे बातचीत करें। आंटी कहाँ से आप आए हो? थरू से जी। क्या इलाज, क्या दिक्कत परेशानी थी? खांसी जुकाम और पशु दर्द उठ रहा है। डॉक्टर बैठे हुए हैं? वो एक मैडम बैठी जी डॉक्टरनी। बिल्कुल, आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस प्रकार से मरीज जो हैं दूर दराज से पहुँच रहे हैं और ख़ास तौर पर जिस प्रकार से बात करें तो यहाँ पर डॉक्टर्स जो हैं सरकारी डॉक्टर्स कोई भी नहीं बैठा है। हालांकि कुछ डॉक्टर्स के सारे प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर द्वारा निर्देश जारी करके यहाँ पर ओपीडी चलाने का प्रयास हो रहा है और सोनीपत में अनिश्चितकाल हड़ताल को लेकर जिस प्रकार का ऐलान था और उसी के तहत जो है यहाँ पर ओपीडी चलाने का प्रयास हो रहा है। और दूसरी तरफ बात करें तो आपातकालीन सेवाएं अभी चालू हैं और आज जो है प्रदेश सरकार की जो है एक मीटिंग भी जो है डॉक्टर्स के साथ है और देखना होगा कि क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है। लेकिन अगर बात करें तो डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते मरीजों को परेशानी जरूर हो रही है और दूर दराज से आने वाले कुछ मरीज तो घर वापस भी लौट रहे हैं। सोनीपत से इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए राम सिंह।